सो हे गाइस, फाइनली यार अमेजोन का सेल आ गया है एंड इस वाले सेल में भाई कमाल कमाल की डील्स है। मतलब प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर एंड मॉनिटर के ऊपर तो यार कमाल कमाल की डील्स है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप कुछ भी परचेस करने वाले थे तो भाई यहाँ पे आप लोग यार कार्ड वार्ड का डिस्काउंट भी यूज़ कर सकते हो, 10% आपको ऑफ मिल जाता है SBI के कार्ड पे, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी यार, इस बार काफ़ी बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। एंड आज मैं आप लोगों को मेरी फेवरेट 10 डील्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन डील्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी सारे ही डील्स की। तो अगर आप परचेस करने में इंटरेस्टेड हो तो भाई वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार हमारे ग्राफिक कार्ड के डील से। अब ये हमारा गीगाबाइट का RTX 4060 एंड ये उनका ईगल OC एडिशन है, 8GB वाला ग्राफिक कार्ड है एंड साथ ही साथ में यार ट्रिपल फैन वाला ग्राफिक कार्ड है। अब ये अगर आप बाहर खरीदने जाते हैं ना ऑफलाइन मार्केट में, तो ये आप लोगों को यार 29,000 से 30,000 में मिलेगा। वहीं यहाँ पे आप लोगों को ये विथाउट डिस्काउंट 25,999 में मिल रहा है। बाकी अगर आप कार्ड यूज़ करते हो ना तो ये एकदम लोवेस्ट 24,600 के आसपास मिल रहा था, मैंने कार्ड लगा के देखा था एंड 24,600 रुपीज़ में दिस इज़ एन स्टील डील एंड ये आप लोगों को बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। तो अगर आप एक RTX 4060 लेने की सोच रहे थे तो मुझे नहीं लगता है कि यार इससे बेटर डील आप लोगों को अभी के टाइम पे मिलेगी। बाकी अगर आप लोगों के पास कार्ड वर्ड है तो आप लोग यार EMI से भी परचेस कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला ग्राफिक कार्ड जो कि है RTX 4060 ईगल गीगाबाइट का। बाकी अगला जो ग्राफिक कार्ड का डील है ना वो ये है, ये हमारा आसूस का उनका RX 6600 8GB। अब ये आप लोगों को 20,500 दिखा रहा है बट इसको आप यार लोवेस्ट 17,500 के आसपास तक परचेस कर सकते हो, यानी कि 17,500 रुपये में एक RX 6600 जो कि आप लोगों को यार RTX 3060 GB 12GB वाले वेरियंट के लगभग की परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। तो अगर आपको खाली गेमिंग करनी थी ना तो ये वाला कार्ड आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है एंड 17,500 रुपये में भाई आप लोगों को शायद ही फिर कभी ये मिले, ऑफलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी अगर आपको अभी डील मिल रही है ग्राफिक कार्ड खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि यार इससे बढ़िया टाइम आपको मिलेगा ग्राफिक कार्ड लेने के लिए। फटाफट से यार जाओ, इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर बढ़िया डील है। 4060 चाहिए NVIDIA में तो ये ले लेना, बाकी अगर गेमिंग खाली करनी थी तो ये आप ले सकते हो RX 6600। तो यही दो मेरे को ग्राफिक कार्ड के अंदर अच्छी डील लगी। बाकी यार अब यार चलते हैं अपने प्रोसेसर के ऊपर। अब देखो अगर आपका बजट एकदम कम है ना, लाइक 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास, तो आप ये वाला प्रोसेसर ले सकते हो यार। एक टाइम पे ये 10,000-12,000-15,000 का मिल रहा था बट अभी आप लोगों को विथाउट डिस्काउंट ये आपको मिलेगा 7,390 रुपीज़ में। बट यहाँ पे अगर आप कार्ड यूज़ करते हो तो ये आप लोगों को यार 6,100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। 6,000 रुपीज़ में आपको एक बढ़िया सा क्वाड कोर वाला प्रोसेसर मिल रहा है विथ Vega 11। तो अगर आप लोगों को एक ऑफिस के लिए PC बनाना था, होम पर्पज़ के लिए PC बनाना था, ब्राउजिंग के लिए PC बनाना था, मूवीज एंजॉय करने के लिए PC बनाना था, तो ये प्रोसेसर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा यार। बढ़िया प्रोसेसर है, आप लोगों को यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल के लिए। फ्यूचर में अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है तो भाई आप ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हो इसके साथ एंड यहाँ पे आपको फ्री में स्टॉक कूलर भी मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इसके साथ आप एक नॉर्मल A320 या B450 चिपसेट लगा के बजट में एकदम बढ़िया सा PC रेडी कर सकते हो। तो ये प्रोसेसर के ऊपर मुझे काफ़ी बढ़िया डील लगी। अगर आपको बजट में PC बनाना था लाइक अंडर 20,000 रुपीज़ में भी आप इसके साथ एक PC बना सकते हो, और अच्छे इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोसेसर जो कि हमारा इंटेल का i5 12400। अब ये भाई साहब इतना ज़्यादा सेल होता है ना पूछो ही मत, हमारे यहाँ भाई बल्क में निकलता ही है। अब 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, विदाउट डील आपको मिलेगा यार 8,500 रुपीज़ में, बट कार्ड के बाद, कार्ड लगाने के बाद ये आप लोगों को अराउंड 7,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। 7,500 रुपीज़ भाई इसके लिए एकदम स्टील डील है। 7,500 रुपये में मतलब उठा लो, अगर आपको एक ऑलराउंडर प्रोसेसर चाहिए ना 6 कोर 12 थ्रेड वाला जिसके ऊपर आप बढ़िया सा गेमिंग PC बना सको जिसके साथ में, तो ये वाला प्रोसेसर आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी। DDR4 एंड DDR5 दोनों ही RAM सपोर्ट करता है। बजट में जाना है तो एक बेसिक सा H610 चिपसेट के साथ जा सकते हो, बाकी अगर आपका बजट ज़्यादा है तो B760 वाले मदरबोर्ड के साथ इसको पेयर कर दो, ग्राफिक कार्ड लगा लो एंड उसके बाद यार मस्त 1080p पे मक्खन गेमिंग एंजॉय करो आप। तो ये वाला प्रोसेसर आप ले सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी 7,500 रुपये बढ़िया प्रोसेसर है। अब अगर आपको इंटेल AMD साइड जाना है तो भाई ये बढ़िया रहेगा, ये हमारा राइजन का 5 5600 X वेरिएंट नहीं है, खाली 5600। बाकी X थोड़ा सा यार क्लॉक स्पीड वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलती है बट उसकी प्राइजेस भी ज़्यादा है एंड ये आप लोगों को 11,800 में मिल रहा है, विथ कार्ड ये आप लोगों को यार 9,500-10,000 के आसपास मिल जाएगा एंड 10,000 रुपीज़ में AMD की तरफ से बढ़िया प्रोसेसर है अगर आपको मतलब AMD में ही जाना है। बाकी मेरे हिसाब से तो यार स्टिल ये बढ़िया चॉइस रहेगी, इंटेल के साथ जाओ एंड अगर आपको AMD के साथ जाना ही था तो आप जा सकते हो। अब ये क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये DDR5 RAM सपोर्ट भी नहीं करता है, DDR4 RAM सपोर्ट ही यहाँ पे आपको मिलेगा एंड यहाँ पे आपको DDR5 भी RAM सपोर्ट मिल जाता है। तो देख लेना आप दोनों इनसे अपने हिसाब से चूज कर लेना।
नाउ अगले प्रोसेसर की बात करें तो ये हमारा राइजन 7 5700। अगर आपको एक 8 कोर वाला प्रोसेसर चाहिए था AMD में तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो यार। ये आप लोगों को विथ कार्ड मिल जाएगा अराउंड 14,000-14,500 रुपीज़ में एंड बढ़िया स्टील डील है। अगर आपको AMD के साथ ही जाना था तो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर चाहिए था AMD में तो ये वाला आप ले सकते हो, बढ़िया CPU। नाउ अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, इंटेल में आप बढ़िया प्रोसेसर ढूंढ रहे थे 10 कोर के साथ, तो ये ले सकते हो 12600KF 10 कोर आपको मिल जाएगा, 6 परफॉर्मेंस कोर मिल जाते हैं एंड 4 यहाँ पे आपको एफिशिएंट कोर मिल जाते हैं। 4.9 GHz तक की यहाँ पे आपको बूस्ट क्लॉक मिल जाती है। अब ये आप लोग यार पेयर कर सकते हो एक B660 एंड B760 चिपसेट के साथ एंड इसके साथ यार आप लोग बढ़िया सा वीडियो एडिटिंग वाला PC बना सकते हो, गेमिंग PC बना सकते हो एंड मेरे हिसाब से यार इसकी बढ़िया प्राइसिंग है, कार्ड वार्ड लगा के बाई कर लेना, अच्छा आपको वैल्यू ऑफर करवा देगा। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है यार इंटेल के 14th जनरेशन में जो लोचा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी वजह से 12th जनरेशन लोग ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, तो 12th जनरेशन में आपको बढ़िया डील मिल रही है। अगर आपको 12400F कंसिडर नहीं करना था तो आप लोग ये ले सकते हो 12600KF i5 है बट यहाँ पे आपको 10 कोर मिल जाता है एंड ये एक अनलॉक्ड CPU, आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो ये था हमारा लास्ट वाला प्रोसेसर जिसका डील हमें अच्छा लगा। अब अगला डील जो हमारा है वो मॉनिटर के ऊपर है एंड गाइस इस बार मॉनिटर के ऊपर यार कमाल की स्टील डील्स मिल रही है आप लोगों को। LG का ये 24 इंचेस का IPS मॉनिटर 75 Hz वाला, ये आप लोगों को एक टाइम पे 10,000 का मिलता था एंड अभी आप लोगों को ये विथाउट बैंक डिस्काउंट 7,000 का मिल रहा है। बैंक डिस्काउंट के साथ आप लोग इसको यार 6,200-6,300 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। 6,000 रुपये में 24 इंचेस का IPS पैनल, वो भी LG का 75 Hz के साथ, मुझे नहीं लगता कि यार इससे बेटर आपको कुछ मॉनिटर में डील मिलेगी। काफ़ी बढ़िया डील है, बेस अमाउंट भी सपोर्ट करता है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को यार काफ़ी कमाल का IPS पैनल मिल जाता है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी दिया गया है एंड थोड़ा बहुत ऊपर आप टिल्ट भी कर सकते हो। तो बढ़िया यार मॉनिटर है, मतलब LG का IPS पैनल के तो भाई क्या ही कहने। गेमिंग के साथ साथ आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, कलर करेक्शन वाला काम करना था ना वो भी यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। तो बढ़िया मॉनिटर है, अगर आपको एक मॉनिटर चाहिए था 6,000-7,000 के आसपास तो इसको डेफिनेटली चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो इससे अगर थोड़ा सा ऊपर आना है ना तो ये Acer का बेस्ट डील है, 24 इंच का सेम 180 Hz का पैनल है एंड 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम, IPS पैनल है। ये आप लोगों को यार अभी हमने चैनल पर रिव्यू किया था 10,000 के आसपास मिलता था नॉर्मली विदाउट सेल, 9,500 टू बी प्रिसाइज, बट अभी सेल में आप लोगों को विदाउट बैंक डिस्काउंट ये 8,500 मिलेगा। कार्ड के साथ 7,500 रुपये इसको इसके लिए बेस्ट प्राइस बन जाती है यार, 7,500 रुपये में शायद ही कभी आपको मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लो ना कि मैंने इसको यार प्रॉपरली रिव्यू कर रखा है चैनल पे, गेमिंग वेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग सब करके देखी है, बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर है, 180 हर्ट्ज आपको ऑफर करवा देता है। तो अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम था 1080p में जो 180 हर्ट्ज निकाल के दे सके FPS की बात करो तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर लेना भाई, बढ़िया डील है, मतलब एक नंबर तबाही डील है ये। आप लोगों को यार 7,500 रुपीज़ में मिल जाएगा, इसको छोड़ के आप इसको ले लो मेरे हिसाब से तो। बट अगर बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते हो 6,000 ही तो ही इसके साथ जाना, बाकी तो यार थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको ले लेना, फ्यूचर प्रूफ कर लोगे आप खुद को, AMD के फ्री सिंक भी सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा अगर बजट ज़्यादा है तो भाई लैपटॉप में आ जाओ आप। अब देखो लैपटॉप्स में मुझे ज़्यादा डील्स तो पसंद नहीं आई है बट सस्ते से स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको राइजन में चाहिए तो राइजन 7 ये मिल जाएगा, ये RTX 4060 के साथ आप लोगों को 144 Hz के साथ मिलेगा एंड IPS पैनल आई गेस, साथ ही साथ में विंडोज 11 यहाँ पे एंड ऑफिस ये सब इंस्टॉल करके ही देते हैं ये लोग एंड आसूस का टफ गेमिंग है एंड टफ जानते हो आप के यार बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है आपको। 4060 ग्राफिक कार्ड के साथ बैकलिट यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी मिल जाता है, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। अगर आपका बजट था अंडर 90,000 रुपीज़ तभी आप इसके साथ जाना, ठीक है। बाकी अगर आप थोड़ा सा बजट को स्ट्रेच कर सकते हो तो भाई ये MSI का कटाना 15 क्या, मतलब क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको इंटेल का i7 मिल जाता है एंड H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है जो कि यार परफॉर्मेंस सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं, साथ ही साथ में 144 Hz है एंड यहाँ पे आपको 1TB की NVMe RTX 4060 विंडोज 11 ये सब इंस्टॉल्ड ही मिलता है। तो बढ़िया लैपटॉप है, अगर आपको MSI में कुछ चाहिए था ना गेमिंग लैपटॉप तो भाई इसको चेकआउट करना, काफ़ी बढ़िया डील यहाँ पे चल रही है, कार्ड वर्ड लगा के इसको आप और भी कम प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही दो लैपटॉप थे जो कि मुझे लग रहा है यार सेल में लेना है, बाकी 4060 से नीचे जाना मुझे नहीं लगता है कि वर्थ है अंटिल एंड अनलेस आपका बजट बहुत कम है यार 40-50 हज़ार, तभी आप यार RTX 3050 या 2050 के साथ जाना, बाकी तो यार एटलीस्ट गो विथ RTX 4060 जो कि यार काफी अच्छे लेवल की आपको गेमिंग के साथ साथ एडिटिंग परफॉर्मेंस भी निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो के ऊपर ये डील्स आपको मिल जाएगी जो कि मुझे अच्छी लगी एंड पर्सनली ये जो व्हाइट कलर वाला वेरिएंट है ना इसका मैं जल्दी ही चैनल के ऊपर रिव्यू लाने वाला हूँ, तो यार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने किया नहीं है।
अभी है हमारा Zebronics का ऑप्टिमम गेमिंग कीबोर्ड है एंड यहाँ पे आपको माउस भी मिल जाता है डिसेंट सा। एंड ये ट्रांसफॉर्मर का मुझे लगता है ना डिट्टो कॉपी है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे इन्होंने कट्स वर्ट्स लगा दिए हैं एंड प्लास्टिक कर दिया है। हालांकि ट्रांसफॉर्मर में आपको वहाँ पे थोड़ा सा यार स्टील टाइप मिल जाता था, बट यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक कर दिया इन्होंने। बट फिर भी यार अंडर 1000 रुपीज बढ़िया है, देखने में भी अच्छा है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। लाइट्स वाइट्स आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे DPI का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है माउस में, साथ ही साथ में 6 आपको बटन मिल जाती है प्रोग्रामेबल नहीं आई गेस, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बट बढ़िया लगा मुझे तो आप इसको अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी अगले कॉम्बो की बात करें तो ये है, ये आप लोगों को यार अंडर 700 रुपीज में मिल जाएगा, जो कि एंटी स्पोर्ट्स का KM 1600 एंड इसके अंदर भी आपको लाइटें वाइटें देखने मिल जाती है एंड इसका माउस मुझे काफी अच्छा लगा, लॉजिटेक 102 की कॉपी लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे DPI थोड़ा सा कम है, 3200 है, बट स्टिल अगर आपका बजट यार 600-700 रुपीज था, आपको एक RGB में कॉम्बो चाहिए था तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, अपने लैपटॉप के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड वायर वाला दोनों ही कॉम्बे है, वायरलेस नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ एक ही मुझे गेमिंग हेडफोन अच्छा लगा और वो ये है JBL का क्वांटम 100 एंड पर्सनली यार JBL के हेडफोन्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, इनकी यार बेस वेस की जो क्वालिटी होती है ना क्लैरिटी वो टॉप नॉच होती है, तो 2000 रुपीज में आपको यार डायनेमिक 40mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए, साथ ही साथ में JBL जैसे ब्रांड का आपको हेडफोन मिल रहा है, कुशनिंग भी अच्छी है, तो ओवरऑल अगर आपका बजट था 2000 के आसपास, आपको एक गेमिंग हेडफोन चाहिए था, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर आपको कुछ मिलेगा। इस बार इक्सा पे उन्होंने डील्स नहीं डाली थी, बाकी यार इक्सा के साथ भी आप जा सकते हो, वो भी यार अच्छे हेडफोन्स आपको ऑफर करवा देते हैं। तो गाइस इस वाले सेल में मुझे इतनी ही डील्स अच्छी लगी, पर्सनली मुझे ये सारी पर्सनली मेरी फेवरेट डील्स है, बाकी इनमें से कौन सी डील आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर से बताना एंड अगर इनमें से कुछ भी परचेस करना था तो सारी ही डील्स की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रखी है और वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड PC ऑर्डर करना है तो भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, जो कि है 9898684750, हम पैन इंडिया से पिंग करते हैं। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।